हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियो का स्टार्ट होने से पहले आप लोग जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 17 की शुरुआत में हम लूजिया को देखते हैं जो कि शू के लिए बहुत प्यार से केक बनाती है, जिसके बाद दोनों साथ में टेरेस पर जाकर बहुत इंजॉय करते हैं और आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। अगले दिन शू लूजिया को गोल्फ के लिए ले जाता है जहाँ शोंग जुनसी भी था। लूजिया जब अकेले खड़ी होती है तो शोंग जुनसी उसके पास जाकर कहता है, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लॉन्ग टाइम नो सी। वो शू की तारीफ करते हुए कहता है, शू एक बहुत अच्छा इंसान है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। फ्यूचर में हमारे बीच बहुत सारी बिजनेस डील्स होने वाली है, तो मैं आशा करता हूँ कि बीजिंग में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओगी। लूजिया कहती है, कोई बात नहीं, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं तो उसके बारे में कब का भूल चुकी हूँ। तभी वहाँ शू आता है तो लूजिया उसके पास चली जाती है, जिसके बाद दोनों साथ में गोल्फ खेलते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। कार में लूजिया शू को बताती है, मैं शोंग जुनसी को जानती हूँ क्योंकि मैं बीजिंग में जिस कंपनी में काम किया करती थी वो उसी कंपनी का पार्टनर था। रात में जब वो दोनों मूवी देखने जा रहे थे तो पीछे से लूजिया के डैड एंड आंट जिया भी वहाँ आ जाती है। लूजिया को अपने सामने देख कर वो दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं एंड एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। लूजिया कहती है, आप दोनों जाके मूवी एंजॉय करो, हम कहीं और चले जाते हैं। एंड देन वो उन दोनों को अकेला छोड़कर एंड अपने डैड को आंख मारते हुए वहां से चली जाती है। लूजिया शू को बताती है, जब मैं 6 साल की थी तभी मेरे मॉम की डेथ हो गई थी। सभी मेरे डैड से कहते थे उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझे एक माँ की जरूरत है, लेकिन मैंने हमेशा मना कर दिया क्योंकि मुझे एक स्टेप मॉम नहीं चाहिए थी, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक दिन तो मैं अपनी माँ को भूल जाऊंगी, लेकिन मेरे डैड का क्या, उन्होंने अपनी लवर अपनी पार्टनर को खो दिया। उनकी लाइफ में मैं एक पार्टनर की कमी कभी पूरी नहीं कर सकती, इसीलिए जब आज मैंने उन्हें एंड आंट जिया को साथ में थिएटर में देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो सभी अपना न्यू ऐप पिकअप लॉन्च कर देते हैं। देखते ही देखते वो ऐप लोगों के बीच बहुत फेमस हो जाता है। ये देखकर वो सभी बहुत खुश हो रहे थे। शू एंड यांग आपस में बात कर रहे थे कि हमें अपने ऐप को और बेहतरीन बनाने के लिए पैसों की जरूरत होगी, जिसके लिए हमें इन्वेस्टर चाहिए, और अभी चाइना का सबसे फेमस इन्वेस्टर और कोई नहीं बल्कि शोंग जुनसी है। दूसरी तरफ जैनिस ऐप को अपडेट करने का आइडिया ढूंढ रही थी पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ शॉयफेंग आकर कहता है, जैनिस तुम्हारी कंपनी का पिकअप ऐप तो बहुत अच्छा है, पर इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि इसे हम एक हाथ से यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी देखो, मैं स्नैक्स खा रहा हूँ तो मुझे इसे बैक करने के लिए दूसरे हाथ का यूज करना होगा क्योंकि इसका बैक बटन बहुत ऊपर है, तो अगर तुम इस बैक बटन को नीचे कर दो या फिर स्लाइड वाला ऑप्शन कर दो तो लोग इसे एक हाथ से भी यूज कर सकेंगे। ये आइडिया जैनिस को बहुत पसंद आता है और वो शॉयफेंग से बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन लूजिया डैड से मिलने जाती है तो वहाँ आंट जिया भी होती है। डैड आंट जिया से कहते हैं, अभी लूजिया आ गई है तो तुम घर चली जाओ। लूजिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि चलिए आप भी हमारे साथ लंच करिए, पर वो मना करके वहाँ से चली जाती है। लूजिया डैड से कहती है, आप कैसे इंसान हो, मुझे आपका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं जैसा आप आंट जिया के साथ रखते हो, वो आपके लिए क्या क्या नहीं करती, जब भी आपको उनकी जरूरत होती है वो आपके पास होती है मगर आप नहीं। मुझे पता है आप उनके साथ ऐसा मेरी वजह से करते हो, लेकिन तब मैं बच्ची थी, पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और समझदार भी, मुझे मिस जिया बहुत पसंद है, अगर आज यहाँ मॉम होती तो वो भी आप दोनों को सपोर्ट करती। डैड कहते हैं, हमारी एज में शादी और एक न्यू फैमिली की शुरुआत करना ये सब कॉमन नहीं है, और वैसे भी आंट जिया की खुद अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बच्चे हैं। लूजिया भागते हुए आंट जिया के विंडो के नीचे जाकर चिल्लाने लगती है। वो बाहर आते हैं तो लूजिया कहती है, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आपका कोई बेटा है। वो कहती है, नहीं। लूजिया कहती है, तो क्या बेटी है। वो कहती है, हाँ मेरी एक बेटी है। लूजिया कहती है, तो क्या आप मुझे भी अपनी बेटी नहीं बना सकती। ये सुनकर आंट जिया बहुत खुश हो जाती है। डैड भी कहते हैं, तुम आकर हमारे साथ ही लंच करो। वो कहती है, ठीक है। यहाँ ये तीनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब लूजिया स्नैक्स लेकर ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में उसे सोंग जुनसी मिलता है। वो दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं। जुनसी पिकअप ऐप की काफी तारीफ करता है और लूजिया से कहता है, इन्वेस्टमेंट के लिए कल जो रोड शो होने वाला है क्या तुम्हें उसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए, पर लूजिया मना कर देती है।
वो कहता है, हम पहले जैसे हैंग आउट किया करते थे वैसे अभी भी कर सकते हैं। लुजा कहती है, पर हमने तो कभी हैंग आउट किया ही नहीं, हम बस साथ में काम करते थे। वो कहता है, मुझे लगा हम फ्रेंड्स थे। लुजा कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आप जैसे इतने बड़े इंसान का फ्रेंड बनने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना फ्रेंड मान सकती हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उनके ऐप के 1 लाख डाउनलोड्स कंप्लीट हो जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं और साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। रात में शू को इन्वेस्टर्स के रोड शो प्रोग्राम में जाना था। लुजिया उसे बहुत अच्छे से तैयार करती है। वेल, तैयार होते होते वो दोनों और क्या करते हैं ये तो आप खुद ही देख लो। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें प्रोग्राम में देखते हैं, जहाँ सॉन्ग जुंग शी दो कंपनियों में से किसी एक कंपनी को चूज करने वाला था। पहली कंपनी थी क्रिस क्रॉस और दूसरी कंपनी थी पिकअप। दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज अपने अपने ऐप के बारे में एक एक करके स्पीच देते हैं। प्रोग्राम से वापस आकर शू देखता है उसके घर में लुजिया है। आफ्टर दैट वो लुजिया की गोद में अपना सर रख कर रेस्ट करता है। अगले दिन कंपनी में सभी बहुत नर्वस होते हैं, क्योंकि आज रोड शो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का रिजल्ट आने वाला था। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो लोग जीत चुके हैं, इसका मतलब सॉन्ग जुनशी उनके ऐप में इन्वेस्ट करेगा। ये सुनकर वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। रात में सभी रेस्टोरेंट जाकर सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहाँ शाओ एफएन भी आता है। यांग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज की पार्टी है और तुम तो कंपनी के एम्प्लॉय हो ही नहीं। वो कहता है, मुझे जेनिस ने बुलाया है। जेनिस कहती है, शो ने इसे यहाँ बुलाने की परमिशन दे दी है, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और वैसे भी हमने ऐप में जो अपडेट किया है वो इसी का आइडिया था। शो अनाउंस करता है कि पिकअप ऐप की सक्सेस एंड रोड शो प्रोग्राम जीतने की खुशी में वो सभी कुछ दिनों के लिए वैकेशन पर जाएंगे। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। यांग कहता है, शाओ एफेंग तुम क्यों खुश हो रहे हो। वो कहता है, क्योंकि जेनिस खुश है इसीलिए। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सभी साथ में ट्रिप पर जाते हैं और वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। वो सभी जब ट्रिप से वापस आते हैं तो सॉन्ग जुंगशी के कंपनी के एम्प्लॉयज वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आते हैं। सॉन्ग जुंगशी की कंपनी शू के पिकअप ऐप में 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करती है, जिस वजह से देखते ही देखते उनकी कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगती है। रात में लुजिया एंड शू सॉन्ग जुंगशी की टीम के साथ पार्टी करने जाते हैं, जहाँ सभी लुजिया एंड शो की बहुत तारीफ कर रहे थे कि ये दोनों आइडियल कपल हैं। शू जब सॉन्ग जुंगशी से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है। नेक्स्ट सीन में लुजिया अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड से बात कर रही थी, जो अब सॉन्ग जुंगशी की कंपनी में काम करती है। वो कहती है, मुझे और मेरी एम्प्लॉयज को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे सॉन्ग जुंगशी ने तुम्हारी कंपनी पिकअप ऐप को इन्वेस्टमेंट के लिए चूज किया, क्योंकि तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर क्रिस क्रॉस ऐप था वो तुम्हारे ऐप से 10 गुना ज्यादा बेहतर था। हमें लगा था ये इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम वही ऐप जीतेगा, मगर लास्ट में सॉन्ग जुंगशी ने तुम्हारे ऐप को चूज कर लिया, और साथ ही साथ आज उसने पहली बार तुम्हारे सामने ये जानबूझकर कहा कि उसका डाइवोर्स हो गया है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, वो तुमसे प्यार करता है। ये सुनकर लुजा कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड देन वो खुद भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। अगले दिन जब लुजिया शू के साथ ऑफिस जा रही थी तो वो अपनी यूनिवर्सिटी बुक्स अपने साथ ऑफिस ले जाती है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले थे इसलिए वो बुक शादा को चाहिए थी। रास्ते में लुजिया कन्वीनियंस स्टोर जाती है। शू अकेले कार में होता है इसलिए वो लुजिया की बुक को देखने लगता है, जहाँ एक पेज में उसे सॉन्ग जुंगशी का नंबर लिखा हुआ दिखता है। ये देख कर वो सोचने लगता है कि आखिर उसका नंबर यहाँ क्या कर रहा है। इससे पहले कि लुजिया वहाँ आती, वो जल्दी से उस पेज की फोटो खींचकर बुक को बंद करके रख देता है। ऑफिस आकर वो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म निकालता है, जिसमें सॉन्ग जुंगशी ने साइन किया था, जिसके बाद वो दोनों हैंडराइटिंग्स को मिलाने लगता है और यहाँ ये कन्फर्म हो जाता है कि ये सॉन्ग जुंगशी का ही नंबर है। दूसरी तरफ जब लुजिया कॉफी पीने जाती है तो वहाँ शॉर्फेंग भी होता है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। शॉर्फेंग भी लुजिया से कहता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आखिर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम क्रिस क्रॉस की जगह पिकअप ऐप कैसे जीत गया, क्योंकि क्रिस क्रॉस तो पिकअप ऐप से कई गुना ज्यादा बेहतर था। अगर मैं सॉन्ग जुंगशी की जगह होता तो पक्का क्रिस क्रॉस ही चूज करता। यहाँ वो अपने दोस्त की बातों को भी याद करती है, जहाँ उसने कहा था, हमें और हमारी टीम को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर एंड मूवमेंट में सॉन्ग जुंगशी ने इन्वेस्टमेंट के लिए
क्रिस क्रॉस की जगह पिकअप को क्यों चुना, क्योंकि क्रिस क्रॉस तो पिकअप से कई गुना ज्यादा बेहतर था। यह सुनकर लूजिया बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो फाइनली शोंग जुंगशी से मिलने का डिसाइड करती है एंड उससे मैसेज करती है। वो शू के पास आकर झूठ बोलते हुए कहती है, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। शू कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मगर लूजिया कहती है, कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊंगी। दूसरी तरफ होटल में शोंग जुंगशी लूजिया के आने का वेट कर रहा था। लूजिया जैसे ही वहाँ आती है, वो तो जल्दी जल्दी उससे बात करने लगता है, मगर लूजिया कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुमने पिकअप को इसलिए चूज किया क्योंकि वो सच में क्रिस क्रॉस से अच्छा था, या फिर तुमने ये सब मेरे लिए किया? शोंग जुंगशी कुछ नहीं बोलता एंड इधर उधर की बातें करने लगता है। तो लूजिया कहती है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। वो कहता है, यहाँ आने से पहले मैंने खुद से कहा था कि मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा, मगर जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे झूठ भी बोल पाऊंगा। मैंने ये सब सच में सिर्फ तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मैं चाहता था तुम जिस कंपनी में काम करती हो वो कंपनी आगे बढ़े, ताकि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और बहुत तरक्की करो। मैं हमेशा से तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, तो जब मुझे इतना अच्छा चांस मिला तो मैं इसे अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था। वहीं शू लूजिया को लेकर काफी परेशान होता है। तभी पानी गिरने लगता है, तो वो लूजिया को लेने के लिए ऑफिस से निकल जाता है। शोंग जुंगशी कहता है, जब हम पहली बार मिले थे उस दिन का मौसम भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो कहती है, क्या सच में? मुझे कुछ याद नहीं। वो कहता है, मगर मुझे सब कुछ याद है, वो भी बहुत क्लियरली, और उस दिन तुमने मुझे अपना अम्ब्रेला भी दिया था। वैसे मैं तुमसे फेस टू फेस माफी मांगना चाहता था, मुझे पता नहीं था यामामोटो ने तुम्हारे साथ वो सब किया था। लूजिया कहती है, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर वो मेरे साथ वो सब नहीं करते तो मैं कभी भी बेजिंग छोड़कर यहाँ वापस ना आती, और अगर वापस ना आती तो मैं कभी शू से ना मिल पाती, इसलिए मुझे तो उन्हें उल्टा थैंक्स बोलना चाहिए। शोंग जुंगशी कहता है, तुम्हारे रिजाइग्नेशन के बाद मैंने तुम्हें बहुत सारे टेक्स्ट किए, मैसेजेस किए, कॉल्स किया, ईमेल किया, मगर तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। क्या तुमने मेरे भेजे हुए मैसेजेस पढ़े? लूजिया उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। बाहर बारिश हो रही थी तो वो वहीं खड़ी हो जाती है। तभी अंदर से शोंग जुंगशी उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं, मगर लूजिया मना कर देती है। तभी सामने से शूजियाशु आकर शोंग जुंगशी के सामने लूजिया को फोरहेड पर किस करता है एंड देन शोंग जुंगशी को बहुत कुछ सुनाते हुए वहां से लूजिया को लेकर चला जाता है। गाइस, वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली सुनाता है, क्योंकि अगर डायरेक्टली सुनाएगा तो वो अपना इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देगा। दोनों वहां से चले जाते हैं, बट बेचारा शोंग जुंगशी बस उन्हें देखता ही रह जाता है। लूजिया डिसाइड करती है वो शू को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि अगर शू को पता चला तो वो इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देगा और इस वजह से उनकी कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि हमारी पूरी टीम ने इस ऐप पर बहुत मेहनत की है। लूजिया शू से बात करने की कोशिश करती है, मगर शू उससे बात नहीं करता क्योंकि वो लूजिया से नाराज था। वो कहती है, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? शू कहता है, मैं भी इंसान हूँ, मैं हर टाइम काम एंड रेशनल नहीं रह सकता, मैं भी तुम पे भरोसा करना चाहता हूँ, मगर तुमने मुझे अपने एंड शोंग जुंगशी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, तो मैं तुम पे इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर सकता हूँ? आई थिंक हमें कुछ दिनों तक एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शू शोंग जुंगशी से मिलने जाता है। दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और यहाँ शू को भी पता चल जाता है कि शोंग जुंगशी ने पिकअप को इसलिए चूज किया था क्योंकि वो लूजिया से प्यार करता है और इस तरह वो लूजिया का दिल जीतना चाहता है। ये जानने के बाद शू को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में लूजिया ऑफिस में थी, तभी शोंग जुंगशी उसे कॉल करके बताता है कि शू हमारा इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, वो नहीं चाहता कि हम उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ये सुनकर लूजिया शॉक्ड हो जाती है एंड भागते हुए शू से इस बारे में बात करने जाती है। शू कहता है, अच्छा तो तुम्हें पता भी चल गया? लूजिया कहती है, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? ऐसा करने से हमारी पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। हमारी पूरी टीम ने इस ऐप पर कितनी मेहनत की थी, तुम ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। शू कहता है,
तो और क्या करूं, मैं ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगा जिस पे तुम्हें दांव पे लगाना पड़े। ये सुनकर लुजिया शांत हो जाती है। मैं तुम्हें दांव पे लगाकर अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा सकता, लुजिया कहती है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने खुद को यूज करके ये सब जानबूझकर किया, या फिर मैंने शोंग जुंगशी से जाकर भीख मांगी कि प्लीज मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो? इतना कहकर वो गुस्सा होकर ऑफिस से चली जाती है। शो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मगर लुजिया चली जाती है। सूर्याशु से नाराज होकर लुजिया अपने डैड के घर आ जाती है एंड फाइनली अपने रूम में जाकर शोंग जुंगशी के भेजे हुए कई साल के पुराने मैसेज को पढ़ना स्टार्ट करती है, जिसमें लिखा था, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था यामामोटो ने तुम्हें मेरे रूम का कार्ड दिया था। दूसरे में लिखा था, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल करने की कोशिश की पर तुम तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही, प्लीज मुझे कॉल बैक करो। तीसरे में लिखा था, लुजिया आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता चला कब मैं तुमसे प्यार करने लगा, कब मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खुद को रोक लूं और हम दोनों बस फ्रेंड्स रहे, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं अपने लव को कन्फेस करने के लिए सही समय के आने का इंतजार कर रहा था, पर मुझे पता नहीं था तुम कंपनी से रिजाइन देकर चली जाओगी। वो एक एक करके उन सभी मैसेजेस को पढ़ने लगती है और काफी परेशान हो जाती है। रात में लुजिया जब बाहर होती है तो शो उसे पकड़कर हक कर लेता है और माफी मांगता है। अब दोनों साथ में बैठे होते हैं। लुजिया कहती है, रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑनेस्टी, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने एंड शोंग जुंगशी के बारे में सब कुछ बता दूंगी। वो बताती है, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं एक कंपनी में एज एन इंटर्न काम किया करती थी, जिस कंपनी का पार्टनर शोंग जुंगशी था। दोनों एक ही लाइब्रेरी में स्टडी करने आया करते थे। एक दिन शोंग जुंगशी को बाहर जाना होता है, पर बाहर पानी गिर रहा था। वो लुजिया का आईडी कार्ड देखकर कहता है, मुझे लगता है आप मेरी ही कंपनी में काम करती हैं। क्या मैं आपका अम्ब्रेला ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है? लुजिया उसे दे देती है। शोंग जुंगशी उसके बुक पर अपना नंबर लिखते हुए कहता है, अगर मैं वापस ना आऊं तो तुम मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना। इस मीटिंग के बाद तो मैं उसे भूल ही जाती, मगर बहुत जल्द हमारी मुलाकात दूसरी बार कंपनी में हो गई। देखते ही देखते उन दोनों के बीच में बातें और मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। एक रात सभी कंपनी के सक्सेस पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, जहां लुजिया गाना गा रही थी। वो गाना तो बहुत ही बेसुरा गा रही थी, मगर फिर भी शोंग जुंगशी उसके गाने को बहुत ही प्यार से एंजॉय कर रहा था। ये बात कंपनी का ओनर मिस्टर यामामोटो देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि शोंग जुंगशी को लुजिया पसंद आ गई है। वो लुजिया को बहुत ज्यादा ड्रिंक कराता है एंड देन उसे शोंग जुंगशी के होटल रूम का कार्ड देकर होटल एम्प्लॉय के साथ भेज देता है और कहता है, इसे इस रूम में पहुंचा दो। लुजिया रूम के अंदर जाकर चुपचाप बेड पर सो जाती है। शोंग जुंगशी जब शार लेकर बाहर आता है तो वो सामने लुजिया को देखकर शॉक्ड हो जाता है। लुजिया भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुंगशी कहता है, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि ये मेरा रूम है। ये सुनकर लुजिया अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद अगले दिन उसने कंपनी से रिजाइन दे दिया एंड वापस अपने डैड के पास आ गई। अगले दिन पूरी चाइना में ये बात फैल जाती है कि सूर्याशु ने शोंग जुंगशी के साथ इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, जिस वजह से उनका पिकअप ऐप धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी खोने लगता है और उनकी कंपनी बहुत ही ज्यादा लॉस में आ जाती है। एक एक करके बाकी के क्लाइंट्स भी सूर्याशु की कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने लगते हैं, जिस वजह से उनके पास एम्प्लॉयज को फीस देने तक के भी पैसे नहीं बचते। मगर फिर भी वो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सभी क्रिस क्रॉस ऐप को पीछे करके फिर से अपने पिकअप ऐप को पॉपुलर बनाकर ही रहेंगे, जिसके लिए वो सभी बहुत मेहनत करने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच यांग धीरे धीरे जैनिस को पसंद करने लगता है। उसके मन में जैनिस के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं और वो उसकी बहुत केयर करने लगता है। वो जब भी शाओ एफएन को जैनिस के क्लोज देखता है तो उसे बहुत जेलिसी होती है। रात में शाओ एफएन एंड जैनिस साथ में काम कर रहे थे, क्योंकि जैनिस के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। वो दोनों साथ में बहुत मस्ती कर रहे थे। दूर से यांग भी ये सब देख रहा था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सैड होकर कंपनी से बाहर आ जाता है। जैनिस जब देखती है कि यांग काफी देर से अंदर नहीं आया
तो वो बाहर उसके पास जाती है। बाहर जाकर वो यांग से बात करने की कोशिश करती है, मगर यांग तो उसे इग्नोर कर रहा था। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ वापस अपने दोस्त के पास। जेनिस कहती है, क्या तुम शॉय फेंग से जेलस हो रहे हो? यांग कहता है, हाँ मैं उससे जेलस हो रहा हूँ। एंड देन फिर से जेनिस को इग्नोर करने लगता है, तो जेनिस उसे मार देती है। यांग ऐसी एक्टिंग करने लगता है कि जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा है। जेनिस कहती है, अब चुप भी हो जाओ। अच्छा ठीक है, चलो तुम भी मुझे मार लो। और आंख बंद कर खड़ी हो जाती है। वो कहता है, प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम से तुम शॉर्फिंग की वजह से मुझे इग्नोर नहीं करोगी। वो कहती है, हाँ हाँ ठीक है, समझ गई, अब जल्दी मारो। बट गाइस गेस व्हाट, वो मारने की जगह क्या करता है ये तो आप लोग खुद ही देख लो। एंड फाइनली यहाँ यांग जेनिस से अपना लव कन्फेस कर देता है। जेनिस भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन ऑफिस में यांग जेनिस की बहुत केयर कर रहा था, वो उसे मेडिसिन खिलाता है। जेनिस कहती है, ओ गॉड कितनी कड़वी है ये। यांग उसे चॉकलेट खाने को देता है, मगर जेनिस को अभी भी वो दवाई कड़वी लग रही थी। उन दोनों का ऐसा बिहेवियर देखकर बाकी के सभी एम्प्लॉय शॉक थे कि दो एनिमीज जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, आज इन्हें क्या हो गया है, इन्हें एक दूसरे पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। यांग कहता है, क्या अभी भी कड़वी लग रही है? जेनिस कहती है, हाँ। तो यांग क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो। और ये देखने के बाद हमारा रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा बाकी के एम्प्लॉयज का। और इस तरह यहाँ पे सभी को पता चल जाता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। देखते ही देखते कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उन सभी की मेहनत रंग लाती है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद शू की कंपनी एंड उनका न्यू पिकअप ऐप एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। शू एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट रोड शो प्रोग्राम में कम्पीट करता है और जीत भी जाता है। इस बार उसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट मिलती है, जिस वजह से उनकी कंपनी का बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है और वो सभी देखते ही देखते बहुत अमीर हो जाते हैं। रात में वो सभी सक्सेस पार्टी कर रहे थे, तभी अचानक से टीएन के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। वो सभी मिलकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस क्रॉस ऐप बैन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए फेक डाटा का यूज किया था। वो लोग जब अपने फेक डाटा के बारे में बात कर रहे थे तो कोई उनका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। एंड गाइस गेस व्हाट, ये कोई और नहीं बल्कि ज़ोउ था। जिसके बाद वो सभी ऑफिस में ज़ोउ का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। उसे रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट से हटाकर कंपनी का एक रेगुलर एम्प्लॉय बना लेते हैं एंड उसके लिए एक बहुत अच्छी ऑफिस का सेटअप भी करते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा खुश तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ शोंग जोंग शी उसी प्लेस पर बैठा होता है जहां वो लुजिया से पहली बार मिला था। तभी उसे सामने लुजिया दिखती है, वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, मगर देखते ही देखते वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। वो सामने बहुत सारे अम्ब्रेला देखकर कहता है, अगर पहले भी ये होता तो मैं कभी लुजिया से मिलता ही नहीं और ना ही कभी क्रिस क्रॉस ऐप पे इन्वेस्ट करता, क्योंकि उस ऐप पे इन्वेस्ट करने की वजह से उसे बहुत नुकसान हो गया था। जेनिस ने न्यू बाइक खरीद ली थी जिसमें वो यांग को बैठाकर ऑफिस लेकर जाती है। लियांग ने न्यू कार खरीद ली थी तो किसी ने न्यू घर। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को एक पार्टी में देखते हैं जहां सभी बहुत अच्छे से रेडी होकर आए थे, जहां पहली बार शॉय फेंग भी बहुत अच्छे से तैयार होकर आता है। उसे ऐसे देखकर तो कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि वो शॉय फेंग ही है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। और यहां हमें पता चलता है कि ये सभी लुजिया के डैड एंड आंट जिया की वेडिंग पार्टी में आए हैं, क्योंकि आज वो दोनों शादी कर रहे हैं। लुजिया के मॉम एंड डैड स्टेज पर आते हैं एंड फाइनली उनकी शादी हो जाती है, जिसके बाद वो सभी साथ में बहुत मस्ती और बहुत सारा डांस करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड गाइस यू नो व्हाट, नेक्स्ट मैं एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक फैंटेसी चाइनीज ड्रामा लाने वाली हूँ, जिसमें एक नाइन टेल फॉक्स को एक ह्यूमन गर्ल से प्यार हो जाता है। तो अगर आपको उन दोनों की लव स्टोरी जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज कल परसों नहीं, मैं दो दिन के गैप के बाद, दैट इज नर्सों से, मैं उस ड्रामा को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगी। तो अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी ना कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।